कल राजकुमार सैनी ने भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, बगावत पहले भी दिखाई दी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए जाट आरक्षण का विरोध करने वाले सैनी बीजेपी के खिलाफ निगम चुनाव में भी उतर चुके हैं। तो ये बगावत हरियाणा बीजेपी में पहले भी होती रही है। 2017 में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के समर्थक बीजेपी विधायक भी बगावती सुर अपना चुके हैं, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वो भी एक बार पहले पिछले साल बगावती सुर अपना चुके हैं। 17 में उमेश अग्रवाल, रणधीर कापड़ीवास, मूलचंद शर्मा, नरेश कौशिक, प्रेमलता, सुखविंदर मांडी और संतोष जो है वो बगावती सुर अपना चुके थे, और इनमें से ज्यादातर जो MLA हैं वो दक्षिणी हरियाणा से हैं। सारवान जो संतोष सारवान की बात कर रहे थे, करीब 1.5 दर्जन विधायक बीजेपी के खिलाफ पहले भी मोर्चा खोल चुके हैं, मीटिंगें कर चुके हैं। सो ये वो बगावत का इतिहास जो पहले भी नजर आया था। 2017 में इन सभी विधायकों ने सीधे सीधे सरकार, यहां तक कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, और आज भी वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो अब की बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के कट्टर समर्थकों ने बीजेपी में बगावती सुर उठा दिए हैं। पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थकों के दिखे थे, अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थकों के दिखे हैं। सांसद राजकुमार सैनी वैसे ही अलग हो चुके हैं। सो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बगावत थम तो जाती है, लेकिन एक बार फिर उठकर निकलकर सामने आ जाती है। एक बार फिर से आपने जो सुना कि गुरुग्राम में कैसे पटौदी से जो विधायक है उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, साथ ही ये भी कहा गया कि कहीं पत्थरों पर नाम नहीं होता, कहीं पूछा नहीं जाता कार्यशैली पर, ना सिर्फ सरकार की बल्कि मुख्यमंत्री की भी कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आए ये तमाम विधायक। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे हरियाणा बीजेपी में बगावत का इतिहास आपके सामने है। तो 2017 में उमेश अग्रवाल, रणधीर कापड़ीवास, मूलचंद शर्मा, नरेश कौशिक, प्रेमलता, सुखविंदर मांडी, संतोष सारवान, ये कुछ MLA थे, करीब 1.5 दर्जन विधायक थे जिन्होंने मोर्चा खोला था, अलग मीटिंगें की थी, जिसके बाद से सवाल लगातार बगावत को लेकर उठे थे जो कि अब एक बार फिर से उठाई दे रहे हैं। 2017 में इन सभी विधायकों ने सीधे सीधे सरकार, यहां तक कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे, और अब की बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थकों की तरफ से उठाए गए। न्यूज रूम का रुख करेंगे, प्रकाश फुलारा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, 4 साल में 4 मरतबा तो ऐसा हुआ कि अलग अलग मंत्रियों के गुट कहें या उनके समर्थक सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आए, और ना सिर्फ सरकार की कार्यशैली बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं, और एक बार फिर वही कुछ नजर आ रहा है। जी रमणी, लगातार हमने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जब से हरियाणा में सरकार बनी है उसके बाद से लगातार बीजेपी के अपने ही विधायक मनोहर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए हैं। इतिहास ये गवाह है कि किस तरह से पिछले साल से लगातार बीजेपी के अंदर जो बगावती सुर हैं वो लगातार तेज हुए हैं। 2017 में जब 1.5 दर्जन से अधिक विधायक जो मंत्री वीरेंद्र सिंह के साथ आ जाते हैं और उसके बाद वो मनोहर सरकार पर ये आरोप लगा देते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से विधायक कहते हैं कि उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे कि वो सरकार में है ही नहीं। इसके बाद लगातार ये बात हाईकमान पर पहुंचती है, उसके बाद अमित शाह खुद आकर उन्हें बीच बचाव करना पड़ता है, मीटिंगों पर मीटिंग होती है, बैठकों के बाद वीरेंद्र सिंह के जो साथ खड़े थे 1.5 दर्जन विधायक वो किसी तरह से उनके बीच में और सरकार के बीच में तालमेल बैठ रहा है। लेकिन इस बार जो नया बगावती सुर देखा है वो राव इंद्रजीत सिंह के जो 7 विधायक खड़े हैं उनके साथ देखा हुआ है कि गुड़गांव के ये सभी लोगों का कहना है कि गुड़गांव में लगातार काम नहीं है, और ये बिल्कुल सही है कि गुड़गांव में जिस तरह से अगर हम सड़कों की बात करें तो वहाँ पर अभी तक किसी भी तरह की कोई नई सड़कें नहीं बन पाई हैं, गड्ढे हो रखे हैं, सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता हालत है। इससे पहले अभी पिछले महीने ही एक वहाँ पर पुल भी गिर चुका था होंडा चौक के सामने, और उसके बाद पानी को लेकर जब वहाँ पे बरसात हो जाती है तो उसके बाद लगातार हम देखते हैं कि बारिश में वहाँ पर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रकाश, मैं वही आपसे समझना चाहूँगा कि पहले जो हमने देखा था चौधरी वीरेंद्र सिंह के गुट के विधायक थे उन्होंने बगावती सुर अपनाए थे, दक्षिण हरियाणा के विधायक पहले भी बगावती सुर अपना चुके हैं, अब राव इंद्रजीत के समर्थक बगावती सुर अपना रहे हैं, क्या ये माना जाए वो नेता जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, शायद चुनाव नजदीक आते आते बगावती सेवर उनके ही समर्थकों की तरफ से जो विधायक हैं इसलिए उठाए जा रहे हैं कि एक प्रेशर बनाया जाए अगले चुनावों को लेकर के चेहरा किसका हो,
कहीं ना कहीं वही रणनीति जो है वो नजर आ रही है। जी देखिए, हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया था, मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी गई थी हाईकमान की ओर से, तो यह कहा जा रहा था कि नॉन जाट समुदाय से आते हैं। उसके बाद से लगातार जाटों को आरक्षण देने का भी जब इसमें एक विरोध हुआ था, तो उस वक्त सैनी लगातार विरोध आए थे, सैनी ने बीजेपी से अपने आप को अलग कर दिया था। ऐसे में मनोहर सरकार के खिलाफ लगातार जो विरोध है वो इसी को लेकर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो अपने ही के विधायक हैं बीजेपी के, वो लगातार उनके नाम उनसे अलग हो रहे थे। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अगर हम देखें तो वो अपने जिस तरह से कामों को लेकर देखें या उनके साथ जिस तरह से उनके समर्थकों का हुजूम है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी आने वाले चुनावों में वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सामने देखते हैं। तो राव नरबीर को लेकर भी एक तरफ से अगर कुछ दिन पहले, अब ये बताइए क्या कुछ नजर आ रहा है, कितने दिनों में बगावत थमती नजर आएगी या विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे बगावत बढ़ेगी, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए 2019 नज़दीक है और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ बगावत के सुर, वो भी जब हरियाणा में पंचायत चुनाव होते हैं उसमें 500 मेयर सीट जीतने के बाद अगर बीजेपी में इस तरह के सुर उठते हैं तो लगातार हम यही कह सकते हैं कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए कड़ी मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि ये सुर अगर नहीं थमते तो 2019 में भी बीजेपी को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं, करण दलाल क्या कुछ कह रहे हैं इस बगावत पर, इस बगावती सुर पर, वो भी सुन लेते हैं। बगावत का इतिहास आप देख सकते हैं जिस तरीके से बगावती सुर एक बार फिर से विधायकों की तरफ से उठाए गए हैं, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि यह कोई पहली मर्तबा नहीं, इतिहास है।